नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें, इससे पहले शनिवार को पीएमएलए विशेष अदालत ने देशमुख की ईडी की हिरासत और बढ़ाने से इनकार करते हुए अनिल देशमुख को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा है। न्यायमूर्ति माधव जामदार की अवकाशकालीन पीठ ईडी की अर्जी पर सुनवाई कर रही है, जिसमें देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के विशेष अदालत के 6 नवंबर को दिए आदेश को चुनौती दी गई है। देशमुख के वकील विक्रम चौधरी और अनिकेत निकम ने अदालत को बताया कि वो याचिका के तथ्यों और इसके गुण दोष के आधार पर उसका विरोध कर रहे हैं। वकीलों ने कहा कि एनसीपी नेता ईडी की पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं। इसके बाद अदालत ने देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। बता दें कि एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 1 नवंबर को गिरफ्तार हुए थे। करीब 12 घंटे तक उनसे पहले तो ईडी के दफ्तर में पूछताछ हुई थी, उसके बाद सीबीआई के द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद शनिवार को अनिल देशमुख की पीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई थी, जहां उन्हें कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख को ईडी की हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की जबरन वसूली करने के आदेश देने के आरोप लगे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।